गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश विद प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है मैं प्रदीप कुमार कुशवाहा आज की क्लास में हम लोग हाई स्कूल प्रोज फोर चैप्टर सॉक्रटीज़ हिंदी और इंग्लिश एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे सॉक्रेटीज़ जो कि रोधा पावर जी के द्वारा लिखा हुआ है तो आइए फर्स्ट पैराग्राफ से इसकी शुरुआत करते हैं सॉक्रटीज़ लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 हंड्रेड ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न सोक्रटीज़ लिव्ड इन एथेंस। एथंस एथेंस में रहते थे अबाउट 400 हंड्रेड ईयर्स बिफोर लगभग 400 वर्ष पहले जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न ईसा मसीह के जन्म से कहते हैं सोक्रटीज का जन्म लगभग 400 वर्ष ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले तो इसको वन बाई वन समझेंगे सोक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस सुकरात एथेंस में रहते थे अबाउट फोर हंड्रेड ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न जीसस क्राइस्ट के जन्म से लगभग चार सौ वर्ष पहले तो जीसस क्राइस्ट के जन्म के लगभग चार सौ वर्ष पहले सुकरात एथेंस में रहते थे एज अ बॉय एक बॉय के तौर पर अर्थात एक लड़के के रूप में ही वॉज अगली अंडरसाइज्ड एंड हैड फ्लैट नोज़ एंड बल्गिंग आइज़ तो कहते हैं एज अ बॉय एक बचपन की अवस्था में जब वो लड़कपन था उसके अंदर तो ही वाज अगली वह कुरूप थे अंडरसाइज्ड छोटे कद के थे एंड हैड अ फ्लैट नोज और उनकी नाक चपटी थी एंड बल्गिंग आइज़ और उभरी हुई आंखें थी बल्गिंग मीन्स उभरी हुई तो इस प्रकार से जब वो बचपन में छोटे थे तो वह कुरूप थे छोटे कद के थे और उनकी नाक उभरी उनकी नाक चपटी थी और उनकी आंखें उभरी हुई थी हिज फादर वॉज अ पुअर स्टोन कटर उनके पिताजी एक गरीब पत्थर काटने वाले थे सो ही वॉज ऑलवेज रैदर शैबली ड्रेस्ड इसलिए वह हमेशा गंदे कपड़े पहना करते थे गंदे कपड़ों में रहा करते थे इस प्रकार से ये फर्स्ट पैराग्राफ का हिंदी अर्थ हो गया सॉक्रटीज़ ईसा मसीह के जन्म से लगभग 400 वर्ष पहले एथेंस में रहते थे बचपन में उनका उनका चेहरा कुरूप था वे छोटे कद के थे उनकी नाक चपटी थी और उनकी आँखें उभरी हुई थी और फिर कहते हैं कि उनके फादर एक पुअर स्टोन कटर थे और वह हमेशा सैबली ड्रेस्ड में रहा करते थे अर्थात गंदे कपड़ों में रहा करते थे नेक्स्ट लाइन है नेक्स्ट पैराग्राफ है लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज अपने उम्र के अन्य लड़कों की तरह ही वेंट टू स्कूल वह भी स्कूल गए अर्थात अपने उम्र के अन्य बच्चों की तरह वो भी स्कूल गए वेयर जहाँ पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन फेयर महत्वपूर्ण तो विषय थे म्यूज़िक एंड जिम्नास्टिक संगीत और व्यायाम अर्थात तो वह भी अन्य बच्चों की तरह स्कूल गए जहाँ पर उनका महत्वपूर्ण तो विषय म्यूज़िक और जिम्नास्टिक था ही ऑल्सो लर्न सम साइंस एंड मैथमेटिक्स उनको साइंस और मैथमेटिक्स में भी इंटरेस्ट था एंड लिटिल अबाउट द स्टार्स और थोड़ा बहुत तारों के बारे में अध्ययन करते थे तो वह साइंस मैथमेटिक्स और थोड़ा बहुत तारों के बारे में भी इंटरेस्ट रखते थे बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी लेकिन हिस्ट्री और ज्योग्राफी के नज़दीक भी नहीं जाते अर्थात उनको हिस्ट्री और जियोग्राफी पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था हिस्ट्री मीन्स इतिहास जियोग्राफी भूगोल अर्थात भूगोल और इतिहास उनको पढ़ने का मन नहीं करता था एज़ लिटिल चिल्ड्रेन एज़ चिल्ड्रेंस लर्न टुडे जैसा कि आजकल के बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं जैसा कि आजकल के बच्चे हिस्ट्री और जोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं लेकिन सक्राटीज को इस विषय में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रीचर यह विचित्र छोटा प्राणी विद शॉर्ट नेक छोटी गर्दन वाला और प्लेन फेस चपाट या सपाट फेस वाला वाज अ थाटफुल बॉय एक विचारशील बच्चा था अर्थात वह जो देखने में बहुत छोटा था जिसकी नाक छोटी थी जिसकी गर्दन छोटी थी वह और जिसका चेहरा बिल्कुल सपाट था वह वास्तव में एक थॉटफुल बच्चा था एक विचारशील बच्चा था ही वास्ड हिज कंपेनियंस वह अपने मित्रों को देखता था ऑल द टाइम्स हर समय एन अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू स्कैप हिज नोटिस और बहुत मुश्किल से कुछ चीज़ें उसके पास से निकल कर जा पाती थी अर्थात वह उनकी हर एक हर एक एक्टिविटीज़ को नोटिस करता था और शायद ही कोई ऐसी एक एक्टिविटी थी एक्टिविटी थी जो उनकी नज़रों से बच कर के निकल पाए इस प्रकार से हमने इसमें पढ़ा कि वह भी सुकरात भी अन्य बच्चों की तरह स्कूल जाते हैं जहाँ पर म्यूज़िक और जिमनास्टिक उनका फेवरेट विषय था इसके साथ साथ वो थोड़ा बहुत साइंस और मैथमेटिक्स में भी इंटरेस्ट रखते थे और थोड़ा बहुत तारों के बारे में भी इंटरेस्ट रखते थे लेकिन वह हिस्ट्री और जियोग्राफी में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं रखते थे जैसा कि आजकल के बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं फिर कहते हैं वह विचित्र प्राणी छोटी गर्दन वाला सपाट चेहरे वाला एक विचारशील बच्चा था वह अपने मित्रों को बहुत गौर से देखता था और शायद ही कोई चीज़ थी जो उसकी नज़रों से बच करके निकल पाए आगे बढ़ते हैं सोकर्रटीज डिड नॉट हैव अ बिग हाउस और फाइन फर्नीचर सुकरात के पास ना तो बहुत बड़ा घर था ना ही बहुत सुंदर फर्नीचर थे ही डिड नाट सीम्स टू वॉन्ट आयदर वेल्थ आर ब्यूटीफुल पोसेस और कहते हैं ही डिड नाट सीम्स टू हैट वह चाह भी नहीं रखते थे आयदर वेल्थ ना तो धन की और ब्यूटीफुल पोसेसन ना ही सुंदर चीज़ों पर अधिकार करना अर्थात उनको ना तो धन की इच्छा थी ना ही सुंदर चीज़ों पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे एज ही ग्री ओल्डर जैसे जैसे वो बड़े होते गए ही बिगेन टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ his बॉडली कम्फर्ट एंड प्लीजर वह अपने शारीरिक आराम के विषय में बहुत कम सोचने लगे वह अपने आनंद के विषय में बहुत कम सोचने लगे ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वॉज नोबल ऑनरेबल एंड जस्ट कहते हैं ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट उन्होंने उन विषय पर उन चीज़ों पर अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया दैट वॉज नोबल जो श्रेष्ठ था ऑनरेबल सम्मानजनक था एंड जस्ट और न्याय संगत था किस तो प्रकार से उन्होंने उस दिशा में अपने दिमाग को लगाना शुरू कर दिया जो कि श्रेष्ठ था ऑनरेबल था और, और न्याय संगत था नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करें सॉक्रटीज़ वेंट अराउंड द टाउन ऑन फूड एंड टॉक टू पीपल सॉक्रटीज़ वेंट अराउंड द टाउन सुकरात शहर में घूमते थे ऑन फूट पैदल ही एंड टॉक टू पीपल और लोगों से बातचीत करते थे तो सुकरात टाउन में चारों तरफ घूमते थे पैदल ही और लोगों से बातचीत करते थे द एथेनियंस बिगन टू लुक आफ्टर हिज फैमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट्स एंड सो से एंड टू से टू देयर फ्रेंड्स यस दैट इज सोक्राटीज तो द एथेनियन बिगन टू लुक एथेनियन ने एथेंस के निवासियों ने उनको देखना शुरू कर दिया फ़ॉर फैमिलियर फिगर एक परिचित व्यक्ति की तरह स्ट्रीट्स और गलियों में एंड टू टू देयर फ्रेंड्स और अपने मित्रों से कहने लगे यस दैट इज सोक्रेटिस हाँ ये वही सुक्रात हैं अर्थात जब वो गलियों में घूमते थे लोगों से बातचीत करने लगे तो लोग उनको अपना फैमिलियर फिगर समझने लगे उनको परिचित व्यक्ति समझने लगे और जहाँ पर भी वो गली पर घूमते मिल जाते थे वो अपने मित्रों से कहते थे अरे देखो वो सुकरात जा रहे हैं कम एलोंग एंड टाक टू हिम आइए उनके पास चलें और उनसे बातचीत करें आफ्टर सम टाइम्स अटीज बिकम फेमस एज अ टीचर आफ्टर सम टाइम थोड़े समय के बाद सुखरात बिकम सुखरात हो गए फेमस प्रसिद्ध एज अ टीचर एक टीचर के रूप में तो थोड़े समय के बाद सुखरात एक टीचर के रूप में फेमस हो गए ही वंडर्ड एलोंग वो घूमा करते थे रोड्स सड़कों पर एंड स्टूड इन द मार्केट और बाज़ारों पर खड़े हो जाते थे अर्थात वह गलियों में घूमते थे रोड से घूमते थे पैदल ही और कभी कभी मार्केट प्लेसेस पर खड़े हो जाते थे और क्या करते थे टॉक टू एनी वन हर किसी से बात करते थे हु केयर टू ग्रीट हिम जो भी उनका स्वागत करते थे अर्थात जो भी उनको सुनना पसंद करते थे वे उन सभी से बात करना शुरू कर देते थे उनसे बातें करने लगते थे हीज लिसनर्स वी आर ऑफ़न उनको सुनने वाले अक्सर उनको सुनकर कन्फ्यूज हो जाते थे आफ्टर दे हैड अर्ग्ड जब वे उनसे बातचीत कर लेते थे और एंसर्ड हिज क्वेश्चन उनके प्रश्न को उत्तर देने के लिए अर्थात ही लेसन हिज लेसनर वे आर ऑफ एन कन्फ्यूज आफ्टर दे हैड अर्ज्ड विथ हिम और एंसर्ड हिज क्वेश्चन कहते हैं कि हिज लेसनर वे आर ऑफ एन कन्फ्यूज उनको सुनने वाले प्रायः उनसे कन्फ्यूज जाते थे आफ्टर दे हैड अर्ज्ड हिम उनसे बातचीत करने के बाद या फिर आंसर हिज क्वेश्चंस, उनके क्वेश्चंस को आंसर को जान करके के उनको सुनने वाले अक्सर उनकी बातों को सुन करके या उनके प्रश्न के उत्तर को सुन करके हमेशा कन्फ्यूज हो जाया करते थे भ्रमित हो जाया करते थे सॉक्रटीज़ टोल्ड हिज कंट्री में दैट एवरी वन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ सोकरटीज टोल्ड हिज कंट्री दैट सुकरात ने अपने देशवासियों से कहा कि एवरी वन मस्ट लर्न हर किसी को अवश्य ही सीखना चाहिए टू थिंक फॉर हिमसेल्फ खुद के बारे में सोचने के लिए सुकरात ने अपने यहाँ के देशवासियों से कहा कि उन्हें खुद के बारे में सोचने के लिए सीखना चाहिए सो so दैट ताकि बाई यूजिंग हिज रीज़न अपने कारण को जान करके ही वुड हैव द पावर टू सी उनको जानने की शक्ति मिलेगी टू सी यह जानने के लिए कि वाट वॉज राइट कि क्या सत्य है जस्ट क्या न्याय संगत है ट्रू सत्य है एंड ब्यूटीफुल और क्या सुंदर है इस प्रकार से जब वो खुद के बारे में सोचना शुरू कर देंगे उनके अंदर सही गलत करने की क्षमता आ जाएगी तो वह यह चीज़ जान जाएंगे कि क्या राइट है क्या जस्ट है क्या ट्रू है और क्या ब्यूटीफुल है एंड सो so, और इस प्रकार से शेप आकार दे सकते हैं हिज ओन कंडक्ट अपने खुद के आचरण को अगर वह अपने आप में अपने अधिकारों को जान जाएंगे और अपने सही जीवन को जीना शुरू कर देंगे तो इस प्रकार से अपने आचरण को सही तरीके से ढाल सकेंगे फिर आगे बढ़ते हैं ही वांटेड एथेनियंस टू बिकम अ परफेक्ट स्टेट ही वॉन्टेड एथेंस टू बी ए परफेक्ट स्टेट वह एथेंस को एक पूर्ण राज्य बनाना चाहते थे ही टोल्ड एवरी वन उन्होंने हर व्यक्ति से यही बात कही थी बोथ ही पपल्स एंड द अदर फॉलोअर्स अपने शिष्यों से भी और अपने अन्य अनुयायियों से भी क्या बात कही थी कि दिस कुड ओनली हैपन इफ़ एवरी वन एवरी सिटीजन एजुकेट हिमसेल्फ़ एजुकेट हिज ओन माइंड कहते हैं यह तभी संभव है कहते हैं दिस कुड ओनली हैपन यह तभी हो सकता है इफ़ एवरी सिटीजन अगर हर नागरिक एजुकेटेड हिज ओन माइंड अपने मस्तिष्क को शिक्षित कर ले टू सी यह जानने के लिए कि वाट वॉज राइट एंड नोबल कि क्या सत्य है क्या सत्य है क्या श्रेष्ठ है और क्या सही है कि वाट वॉज राइट क्या सही है नोबल और श्रेष्ठ है अगर हर व्यक्ति इस बात को जान जाएगा तो वह स्वयं ही अपने आप को अच्छी पोजिशन पर ला सकता है ये तभी संभव है जब हर व्यक्ति अपने आप को एजुकेट कर लेगा हर सिर्जन अपने आप को शिक्षित कर लेगा ही बिलीव दैट उनको विश्वास था कि क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग प्रश्न पूछना और डिस्कस करना वुड हेल्प देम उनकी मदद करेगा डू करने के लिए एंड सो ही फॉर योकिंग और इसलिए वह सदैव लोगों से बातचीत करते थे कहते हैं कि ही बिलीव दैट ही बिलीव दैट द क्वेश्चन एंड डिस्कसिंग वुड हेल्प देम उनको यह विश्वास था कि नागरिकों से प्रश्न पूछना उनसे डिस्कस करना उनकी इस बात में मदद करेगा कि वो उनके माइंड को शिक्षा से भर सकते हैं फिर क्या होगा एंड सो ही वॉज फॉर यूवर टॉकिंग टू देम इन द ओपन स्ट्रीट्स इसीलिए वह हमेशा खुली गलियों में लोगों से बातचीत करते थे नेक्स्ट वेन सोक्रटीज वाज एन ओल्ड मैन जब सोकरज बूढ़े हो गए थे आगे बढ़ते हैं वेन सोक्रटीज वाज एन ओल्ड मैन जब सुकरात बूढ़े हो गए थे तो हिज फेम उनकी प्रसिद्धि हैड स्प्रेड फैल गई थी फार एंड वाइड दूर दूर तक कहते हैं जब सुकरात बूढ़े हो गए थे तब तक उनकी प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक फैल गई थी द हाउस ऑफ मैनी रिच मैन बहुत से अमीर घरानों के गर, घराने ओपन इट्स डोर्स अपने दरवाजों को खोल दिए थे टू हिम उनके लिए तो बहुत से अमीर घरानों ने अपने दरवाजे उनके लिए खोल दिए थे फॉर पीपल फेल्ट ऑनर्स टू हैव हिम एज दियर गेस्ट और लोग उनको अपना गेस्ट के रूप में स्वीकार करने में बहुत सम्मानित महसूस करते थे लोगों ने अपने दरवाजे खोल दिए थे कि आइए सुक्रात आप हमारे गेस्ट के रूप में हमारे घर में रहिए और आपको गेस्ट के रूप में अतिथि के रूप में हमें अपने घर में रख कर हमें बहुत सम्मान प्राप्त हो रहा है बाई डिग्रीज़ बाई डिग्रीज मीन्स धीरे धीरे तो बाई डिग्रीज़ धीरे धीरे आज स्पेशल ग्रुप ऑफ पपिल लोगों का समूह शिष्यों का समूह गैदर्ड अराउंड हिम उनके चारों तरफ इकट्ठा हो गया कहते हैं बाई डिग्रीज धीरे धीरे आई स्पेशल ग्रुप ऑफ पपिल्स विशेष प्रकार के शिष्यों का समूह गैदर्ड अराउंड हिम उनके चारों तरफ इकट्ठा हो गया एंड फॉलोड हिम और उनका पीछा करता था उनके अनुकरण करता था उनका उनके साथ चलता था वेर ही वेंट जहाँ कहीं भी वे जाते थे एमंग देम वॉज ए यंग मैन कॉल्ड प्लूटो उन्हीं के बीच में एक यंग मैन था एक युवा जवान था युवा व्यक्ति था युवा लड़का था जिसका नाम था प्लूटो तो उन्हीं के साथ एक व्यक्ति रहते थे एक नया लड़का था जिसका नाम प्लूटो था और हु ट्रीजर्ड एवरी वर्ड्स विच ही हिज मास्टर टूटर्ड तो ही ट्रीजर्ड वह दिल में संचित कर लिया करता था एवरी वर्ड प्रत्येक शब्द को विच जिसे हिज मास्टर उनके मालिक उटड कहते थे जो भी उनके मालिक कहते थे उन शब्दों को वह अपने अंदर संचित कर लिया करता था एंड इन लेटर ईयर्स और बाद के सालों में बिकम फेमस फेमस हो गए एज अ टीचर एक टीचर के रूप में एज सक्रटीज़ हिमसेल्फ जैसा कि सुक्रात स्वयं अर्थात आगे कुछ सालों के बाद वह भी अर्थात प्लेटो भी उसी प्रकार से फेमस हो गए जिस प्रकार से सुकरात फेमस हुए थे एक टीचर के रूप में थी आज की क्लास का चैप्टर फोर सोकर का फर्स्ट पार्ट था नेक्स्ट uh, क्लास में हम लोग इसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे गाइज तो अभी तक के लिए थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो जय हिंद